आजकल ये लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा ये बात ट्रेंड कर रही है कि इन लोगों का आपस में रिश्ता क्या है और जो ये छोटा लड़का है वो किसका बेटा है। तो आज के इस वीडियो में इनसे जुड़े आपके सारे सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल सही। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें लड़के का नाम अरमान मलिक है, और अरमान की जो राइट साइड है उनका नाम कृतिका मलिक है, और जो लेफ्ट साइड है उनका नाम पायल मलिक है। और जो वीडियो में छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं वो इनका लड़का है जिसका नाम चिरायु मलिक है। अब इन लोगों का नाम सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि ये लोग मुस्लिम हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये लोग हिंदू हैं। लेकिन हिंदू से मुस्लिम ये लोग क्यों बने ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अरमान का असली नाम संदीप है, ये हरियाणा के हाथी से हैं। पायल का पूरा नाम पायल शर्मा है, ये दिल्ली से हैं। कृतिका का पूरा नाम कृतिका बसरा है, लेकिन लोग प्यार से इन्हें गोलू कहकर बुलाते हैं, और ये भी दिल्ली की हैं। ये इस टाइम 27 साल की हैं और इनका जन्म 20 मार्च 1994 को हुआ है। कृतिका ने अपनी स्कूलिंग कमाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से की है। कृतिका एक मेकअप आर्टिस्ट है और इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स दिल्ली से किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि कृतिका और पायल अरमान की कौन है? तो कृतिका और पायल अरमान की बीवी है। जी हाँ, अरमान ने दो शादी की है। अरमान की पहली बीवी पायल है जिससे इनकी शादी 2011 में हुई है, और कृतिका इनकी दूसरी बीवी है जिससे इनकी शादी 13 अक्टूबर 2018 को हुई थी, और ये शादी पायल की रजा मंदी से हुई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पायल जैसी सुंदर वाइफ होने के बाद भी अरमान ने दूसरी शादी क्यों की? तो पायल कहती हैं इसका कोई खास कारण नहीं है, अरमान को दो बार प्यार हुआ इसलिए अरमान ने दो बार शादी कर ली। तो चलिए कृतिका और अरमान की लव स्टोरी जान लेते हैं, और ये भी जान लेते हैं कि अरमान और कृतिका एक दूसरे को कैसे जानते थे। कृतिका और पायल दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जिसकी वजह से पायल ने चीकू के बर्थडे में कृतिका को बुलाया था, और जब अरमान ने कृतिका को देखा तो वो दिल दे बैठे, और फोटो एक्सचेंज होने के बहाने नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों की आपस में सेटिंग हो गई। अरमान बताते हैं कि जैसे ही मैंने कृतिका को देखा था उसके जस्ट 6 दिन बाद हम दोनों ने शादी कर ली। अरमान बताते हैं पहले तो पायल को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब पायल की फैमिली ने पायल को भड़का दिया तो पायल और पायल की फैमिली ने अरमान पर केस कर दिया, और पायल भी किसी लड़के राहुल के साथ चली गई थी उनके बेटे चिकू को लेकर, जिसकी वजह से अरमान बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे और वो जान देने वाले थे। सिचुएशन में डाल दिया कि बस मरना है तुम्हें, केस किया मेरे ऊपर, नीरज और दोनों बहनें पायल की, दोनों ने केस किया, राहुल जिसे शादी दी पायल ने, मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी ले गई यार, निकलवा दे यार। लेकिन बहुत समझौता होने के बाद ये तीनों साथ में रहने के लिए राजी हुए और अब बहुत ज्यादा खुश एक साथ रह रहे हैं। लोग जब इन तीनों के रिलेशन के बारे में जान रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और इन लोगों को बहुत ज्यादा हेट कर रहे हैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये चीज कितनी सही और कितनी गलत लगती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये लोग हिंदू से मुस्लिम क्यों बने? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम धर्म आपको ये अनुमति देता है, जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगे। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में धर्म से रिलेटेड कोई भी हेट कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक फैक्ट बताया है ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब बात ये आती है कि चिरायु मलिक किसका बेटा है? तो चिरायु मलिक पायल और अरमान का बेटा है। अरमान की पहले शादी पायल से हुई थी और अरमान और पायल का एक बेटा हुआ जिसका नाम इन लोगों ने चिरायु रखा, जिसे ये लोग प्यार से चीकू कहकर बुलाते हैं। तू मेरी। लेकिन अरमान और कृतिका का भी बहुत जल्दी बेबी आने वाला है। तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। ये लोग दिल्ली के विकासपुरी में रहते हैं, लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये लोग हैदराबाद शिफ्ट हुए हैं, और अरमान जिम का बिजनेस करते हैं। अरमान एक टिकटॉक स्टार थे जिनके टिकटॉक पर 10 मिलियन फॉलोवर्स थे, और अब ये शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जिसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे डाला करते हैं। अगर इनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स की बात करें तो कृतिका मलिक के 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, पायल मलिक के 812K फॉलोवर्स हैं और अरमान मलिक के 167K फॉलोवर्स हैं।
इनका यूट्यूब पर एक चैनल है फैमिली फिटनेस करके, जिसपे 1.37 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन मन में इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे और भी क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।